सब्सक्राइब कीजिए ओलेजर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन के निशान को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये बिल्कुल नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे राजस्थान एलडीसी टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंट 18 के बारे में, जो अभी हाल ही में दो एग्जाम कंप्लीट करा चुका है। और जिन विद्यार्थी को लगता है वो इन दोनों पेपरों में पास हो रहे हैं, वो अभी से ही टाइपिंग एंड एफिशिएंट टेस्ट की तैयारी शुरू कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एफिशिएंट टेस्ट किस प्रकार से होगा, मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के या एफिशिएंट टेस्ट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहीं से हमारी एफिशिएंट टेस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये देखिए हमारा होम टैब, ये रहा। तो ये हमारा होम टैब रहा, इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये रहा सेकेंड फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल और पाँचवा जो है एडिटिंग। दोस्तों, इसमें हमारे ये पांच प्रकार के टूल्स हैं, हम इन टूल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये इस क्लिपबोर्ड की। दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने क्लिपबोर्ड है, ठीक है। दोस्तों, इसके अंदर हमारे सामने चार फंक्शन से कट, कॉपी, पेस्ट और ये फॉर्मेट प्रिंटर। दोस्तों, हम चार चीज़ों के बारे में विस्तार से सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मेट प्रिंटर की। तो दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की क्या है, देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसकी शॉर्टकट की है। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉपी वाले की। तो इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस सी। दोस्तों, आपको शॉर्टकट की भी याद रखनी है, यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि शॉर्टकट की क्या है तो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में कट के देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स, और इसके बाद में हमारा अंतिम जो है कंट्रोल प्लस वी, यानी पेस्ट की कॉपी है। अब दोस्तों, हम इनका वन बाय वन यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने कोई यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने नाम लिख दिया अपना दीपक। तो दोस्तों, यदि हमें इसको दोबारा से सेम नाम लिखना है, यानी हमें कॉपी करनी, तो सबसे पहले हम इसको दोस्तों सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का राइट क्लिक करिए और इसको दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है इस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों, हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ कॉपी का बटन दिख रहा है, कट का दिख रहा है और फॉर्मेट प्रिंटर का दिख रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कॉपी के बारे में बताऊँगा, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कॉपी पर क्लिक किया। इसके बाद में दोस्तों, मैंने जैसे कॉपी पर क्लिक किया है, तो मैं इसको कहीं भी यहाँ पर कर्सर कहीं भी रखूँगा। दोस्तों, ये हमारा ये कर्सर है जो यहाँ पर रख रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको कर्सर रख के यहाँ पर दोस्तों देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट के से पेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये पेस्ट हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों, मैं इसको कट करके बताऊँगा, तो आपको सबसे पहले फिर से वही काम करना है सिलेक्ट। दोस्तों, आप कोई भी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसके लिए दीपक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे सामने देखिए कट का ऑप्शन खुल चुका है, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल प्लस एक्स की सहायता से या फिर इसको कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर दूंगा। ये मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद दोस्तों, फिर से हमें इसको पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से फिर भी कहीं भी देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको यहाँ पर कर्सर रख दिया है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। या तो आप कंट्रोल प्लस वी की सहायता से कर दो या फिर इसको यहाँ की सहायता से कर दो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये इसका पेस्ट हो चुका है। दोस्तों, आप इसी प्रकार से अनेक कॉपी और पेस्ट और कट कर सकते हो। दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है अंतिम वाला फॉर्मेट प्रिंटर वाला। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी हमारे पास शॉर्टकट की याद है हमें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कैसे करें। दोस्तों, देखिए मैंने जैसे कि यहाँ पे कुछ लाइनें लिख दी है और यहाँ पे देखिए ये बड़ा अक्षर में मैंने राम लिख रखा है। तो दोस्तों, यदि मुझे इस फॉर्मेट में ये पूरा चाहिए तो मैं इसका क्या करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे इस राम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए इस पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये सेम इसी साइज़ में हो चुका है, ठीक है दोस्तों, बिना कोई चेंजिंग किए इस साइज़ में हो चुका है। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब यही होता है कि बिना कोई परिवर्तन किए हो उसकी साइज़ में यानी शेप के अनुसार ढल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, हम बात करेंगे फॉन्ट वाले ऑप्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों, हमारा ये लास्ट है, यानी हम इस फॉन्ट के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद में हम पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इसकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें पता होने के बाद ही आप एफिशिएंट टेस्ट दे पाओगे, फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल, अच्छी तरह से क्वेश्चन हल करेंगे, तो मैं आपको उस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें हमारे सामने देखिए, एक तो ये फॉन्ट और इसके बाद फॉन्ट साइज, और इसके बाद में देखिए दोस्तों ये ग्रो फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट, ठीक है दोस्तों, या श्रिंक फॉन्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास ये देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये देखिए स्ट्राइक थ्रू, और ये देखिए दोस्तों सबस्क्रिप्ट, और ये सुपर स्क्रिप्ट, और यह चेंज कैश, और ये देख लीजिए दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और ये फॉन्ट कलर। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास है ये क्लियर फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, देखिए फॉन्ट की, तो इसकी शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। दोस्तों ये देखिए नीचे आप देख लेना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अपना आप ये फॉन्ट साइज बता देगा, या इसकी वो बता देगा शॉर्टकट की, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों मान लीजिए हमें इसको फॉन्ट चेंज करना है, हमें इंग्लिश करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एरो वाले पे, और यहाँ पे देखिए ये कैलिब्री, ये इंग्लिश की फॉन्ट होती है दोस्तों, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे सामने ये इंग्लिश का फॉन्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों हमें इसका साइज चेंज करना है, तो दोस्तों ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसका साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए आप जितनी साइज बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो तो कर देंगे, कि मैंने 48 पे कर दिया तो इसकी साइज़ बढ़ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए ग्रो फ्रंट, तो इससे भी दोस्तों इसकी साइज़ बढ़ेगी, ये देखिए दोस्तों ये ग्रो हो गई, और यहाँ पे देखिए श्रिंक, तो इससे इसकी साइज़ घटेगी, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ बोल्ड की, तो इसकी शॉर्टकट की दोस्तों देखिए कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट की है। दोस्तों आप इन सब शॉर्टकट की को याद रखें अच्छी तरह से। तो मुझे मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना है, किसको, कार्य को मुझे बोल्ड करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। दोस्तों आपको कोई भी काम करने से पहले आपको सिलेक्ट करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल प्लस वी की सहायता से, या फिर मैं वी पर क्लिक करके इसको बोल्ड कर दूँगा। दोस्तों ये देखिए गहरा काला रंग हो चुका है, यही बोल्ड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मान लीजिए मुझे इसी को अंडरलाइन करना है और इटैलिक करना है, तो दोस्तों इसकी इटैलिक की देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट की है, और अंडरलाइन की देख लीजिए कंट्रोल प्लस यू, या तो आप इसको डायरेक्ट इन पर क्लिक करके देखिए दोस्तों अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट की यूज करके इसको इटैलिक या अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों मैंने ये जानता लिया, और यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस यू दबाया तो ये अंडरलाइन हो गया, और कंट्रोल प्लस आई दबाया तो इटैलिक हो गया। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों मुझे इसमें सकता है इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे मुझे इसको स्ट्राइक थ्रू देना है, तो दोस्तों हमारे सामने ये देखिए स्ट्राइक थ्रू, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से देखिए स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में से कट गया है, तो यही स्ट्राइक थ्रू होता है। मान लीजिए मुझे और को देखिए दोस्तों सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे आ गया, और सुपर स्क्रिप्ट करना है तो इसको इस पर क्लिक करूँगा, ये ऊपर आ गया। इसके बाद में दोस्तों ये अपर केस और लोअर केस के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा कैपिटल में दीपक, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इसमें एक जिसका एक ऑप्शन जो होता है, मतलब कैपिटल ईच वाला के ऊपर का जैसे फर्स्ट वर्ड होता है, इसको मुझे कैपिटल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा पूरे को, और यहाँ पे देखिए अपर केस लिख रखा है, यहाँ पे चेंज करूँगा, और यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों ये डी नाम बड़ा हो गया और बाकी सब स्मॉल हो चुके हैं। अब मान लीजिए मुझे पूरे को कैप्स लॉक में यानी बड़ा यानी कैपिटल में करना है, तो फिर से मैं अपर केस पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए अपर केस पर क्लिक कर दूँगा, ये पूरा कैपिटल हो चुका है। मान लीजिए मुझे इसको फिर से लोअर केस करना है, तो लोअर केस पर क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी हम चीज़ सीख रहे हैं चेंज केस में, तो आपको सभी यहाँ चेंज केस से ही मिलेगी। मान लीजिए मुझे इसको टॉगल केस करना है, यानी एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, ये देखिए एक छोटा और एक बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों यदि आपको सेंटेंस केस में चाहिए, देखिए सेंटेंस केस मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेंटेंस केस में हो चुका है, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस केस के लिए आपको सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लिख दिया मैंने सेंटेंस केस, तो दोस्तों अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से सेंटेंस केस में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये सेंटेंस केस में हो चुका है। तो दोस्तों इसके अलग अलग प्रकार के यूज है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ये हाईलाइट कलर की। दोस्तों मान लीजिए मुझे का शब्द को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको एरो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हाईलाइट पे कोई सा भी हो आप चूज़ कर लेना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम इनका यूज क्वेश्चन के अंदर करेंगे, मैं आपको वहाँ सब चीज़ें अच्छी तरह समझाऊँगा। इस बार तो मैं आपको छोटी मोटी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये है क्या है और क्या करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें
मान लीजिए इसको नाम को, ये देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन देखिए आपके सामने फॉन्ट कलर, इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रेड पर क्लिक करना है। तो इसका देखिए फॉन्ट कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि आपने इसको पूरे को सिलेक्ट कर रखा है, आपने जैसे मान लीजिए अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक स्टैक थ्रू इतने सब कुछ एक ही वर्ड को कर रखा है, यदि आपको इसकी पूरे की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों ये जैसा था वैसे हो चुका है, केवल यहाँ पे हाईलाइट कलर नहीं हटता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और आपको कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों हम आपको अच्छी तरह बताएंगे जब मैं इसका क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों।